जावा के बार्ड थे उनको तो हांडी नहीं दिया गया था, नए हांडी लाए हैं, क्लीन करके उनमें नेस्टिंग मटेरियल थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, उसके बाद में नीचे भी दे देंगे। सभी हांडियों को सेट कर दिया है, यहाँ पर 7 हांडीज हैं। नीचे में एक छोटा सा लाठी दे दिया है जिसमें उसको बैठने में और हांडी में जाने में आसानी हो। उस साइड में भी हांडी दिया हुआ है, इस साइड में 5 हांडीज दिया हुआ है, सभी बार एक जगह पे हैं। नीचे 3, ऊपर में 2 हांडी और यहाँ पे 7 हांडीज, टोटल 12 हांडी मैंने प्रोवाइड किया है। थोड़ा ज़्यादा ही दे दिया है क्योंकि हांडी को लेकर कॉलोनी में बहुत मारपीट होता है, इसीलिए हमने ज़्यादा हांडी दे दिया। फ्रेंड्स, मेरे सभी वार्डों को हांडी प्रोवाइड करना कम्प्लीट हो गया है। ब्रीडिंग सीजन तो अभी आ गया है, तो अभी हांडी प्रोवाइड हम लोगों ने कर दिया है। अभी उन लोगों के लिए थोड़ा नेस्टिंग मटेरियल नीचे में दे देंगे ताकि उन लोग लेके वो ऊपर जा सके, अपनी तरह से नेस्टिंग थोड़ा कर सके। तो वेट करते हैं रिजल्ट के लिए। रिजल्ट में तो टाइम बहुत लगेगा, लेकिन हम लोग पेशेंस से वेट करेंगे। फर्स्ट टाइम कॉलोनी में वो लोग ब्रीड करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर तो वो लोग सेपरेट में थे, फर्स्ट टाइम इन्होंने कॉलोनी में दिया है। दिखा नहीं पा रहे, सभी बार्ड्स एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। आज का वीडियो यही तक, और एक दिन और एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने आएंगे। तभी तक सब लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल बार्ड्स ऑल द विनिशा। थैंक यू फ्रेंड्स।